अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस शाम के टाइम से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ, और बस अभी हम लोग बाहर निकले थे, यहाँ पर आए थे हम लोग किसी ज़रूरी काम से, हस्बैंड साहब को कुछ काम था तो बस आ गए थे। और फिर हमें जी लग गई थी भूख, क्योंकि ये शाम का टाइम है, तकरीबन 6:15 बज चुके हैं। 5:30 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी जो थे ना 6:15 बज रहे थे। तो खैर फिर हम लोग ना यहाँ पर आ गए थे, ये बफर जोन में ही जो है ना ये बर्गर वाले हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग आए और मतलब यहाँ का हमें बर्गर पसंद है, फास्ट फूड भी है इनके पास। तो खैर हमें जो है ना अंडे शामी वाला बर्गर जो होता है ना इनका, वो बड़ा मजे का लगता है, अक्सर हम लोग यहाँ से लेकर भी जाते हैं घर पे। तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि चलो अब हम लोग जो है ना बर्गर खाते हैं। तो खैर फिर यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने जो है मतलब बर्गर ऑर्डर किया और फ्राइज मंगवा लिए थे साथ में। अच्छा इनका रायता भी जो है ना बड़ा मज़े का होता है, और गाढ़ा गाढ़ा सा रायता होता है, तो अच्छा बना हुआ होता है रायता भी, और बर्गर भी जो है ना मतलब टेस्ट होता है बर्गर में। और जी फ्राइज भी आ गए थे और कोल्ड ड्रिंक्स भी हम लोगों ने जो है ना 7 अप मंगा ली थी। तो बस फिर वो जो है ना आई थी बाद में, लेकिन वीडियो मैंने बंद कर दी थी। मैंने कहा चलो आराम से बैठकर खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी, फिर आसपास लोग भी थे, तो फिर मैंने कहा चलो अब ज़्यादा जो है नहीं बनाते हैं वीडियो, तो मोबाइल मैंने रख दिया था साइड पर। तो है जी यहाँ पर बैठे बैठे मैं यही कह रही थी कि बच्चे देखेंगे जब बाद में वीडियो में, तो फिर उनको पता चलेगा, क्योंकि अक्सर हम बच्चों के साथ ही जाते हैं, हम अकेले जाते ही नहीं हैं। तो खैर फिर घर आई, तो घर आके फिर मैंने खाने की तैयारी की, और मैंने बना लिए थे जी ये करेले बना लिए थे, थोड़े से करेले रखे हुए थे फ्रीजर में कटे हुए, तो बस फटाफट मैंने इनको बनाया। और ये कोरमे का सालन था एक दिन पहले का, तो ये भी था, तो फिर मैंने जो है ना यही सोचा, मैंने कहा चलो कोरमा है चिकन है, और इसलिए जो है ना मैंने फिर करेले जो थे ना वो बना लिए। मैंने कहा दोनों चीजें होंगी ना तो हम लोग भी आराम से खा लेंगे और बच्चे भी, क्योंकि बच्चे जरा करेले जो है ना वो इतने शौक से नहीं खाते हैं। तो बस फिर अब ये है कि अब रोटी बना रही थी, रात का टाइम हो चुका था, तो खैर हम लोगों को तो खैर इतनी भूख नहीं थी, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था, तो क्योंकि हम लोगों ने शाम में 6:30 बजे के करीब ही तो बर्गर खाया था, तो फिर खैर खाना हम लोगों ने इतना नहीं खाया था। और वैसे भी जो है ना हस्बैंड साहब अगर 7:30 बजे तक खाना खा लेना मैं और हस्बैंड, तो फिर हम रात में खाना जो है ना मतलब ऐसा भी कुछ खा लेना अगर बाहर से भी, तो फिर हम खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से खाना डिनर ही हो जाता है और फिर हम लोग नहीं खाते। तो बस फिर ये नेक्स्ट डे था, और अभी तकरीबन दोपहर का ही टाइम हो चुका है, और आज कमरा जो था ना मेरा बेडरूम बहुत ज्यादा जो था ना फैला हुआ था, चीजें भी बहुत ज्यादा इधर से उधर रखी हुई थी, और ये मैट्रेस जो था ना ये साइड में मैंने खड़ा कर दिया था, और फिर ये है कि अभी वो खुद ही जो है ना काम करते करते जो है वो गिर गया। तो खैर अब्दुल रहीम बैठकर यहाँ पर आइसक्रीम अब लेकर आए थे, तो वो आइसक्रीम खा रहे थे। तो खैर फिर ये है कि अभी चीजें वगैरह समेटूंगी, पहले चीजें बेडशीट से शुरुआत होती है, बेडशीट चेंज करके उसके बाद चीजें वगैरह समेट के फिर एंड में जो है ये इसका काम होता है झाड़ू का, तो मतलब नीचे से जो है झाड़ू लगाने का काम एंड में होता है, डस्टिंग वगैरह चीजें वगैरह समेटनी सब कुछ जो है ना उससे पहले पहले हो जाता है, बस फिर एंड में जो है झाड़ू लगाती हूँ मैं। और बस जी फिर ये बेडशीट भी लेकर जा रही थी मैं, और मैंने कहा इसको जो है वॉश कर देती हूँ अभी, तो बस फिर इसको मैंने जो है ना मशीन में डाला और मशीन चला दी थी मैंने, क्योंकि पानी जो था ना वो आ रहा था अभी, तो मैंने कहा चलो इसको हाथ के हाथ ही जो है ना धो देते हैं। तो बस फिर ये है कि जो पानी हमने सेव किया होता है फिर वो उससे कोशिश यही करती हूँ कि मैं उससे कपड़े ना धोऊं,
घर के यूज के लिए बस वो रहे पानी, और जो जरूरी कपड़े होते हैं धोने वाले, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह हो गए, अब्दुल रहीम का या फिर अब्दुल रहमान का कोई मतलब इस तरह का ड्रेस हो गया जरूरी धोने वाला, तो वो मैं फिर जो है ना वॉश कर लेती हूँ। लेकिन बस कोशिश करती हूँ कि जब पानी आ रहा हो ना उस वक्त सारे कपड़े ही धुल जाएं, लेकिन बीच में भी धोने तो खैर पड़ जाते हैं। तो खैर फिर ये है कि अभी ये ना भिंडी जो थी ना, इसको मैंने कल कल ही जो है ना इसको वॉश करके मैंने बड़े सी मतलब ट्रे में जो है फैला के रख दिया था, और ताकि खुश्क हो जाए। फिर इसको काटा, आधी भिंडी रात में काटी, आधी सुबह काटी, और अभी इसको जो है ना मैं सेव कर लूंगी। आधी जो है मैं अभी पका रही हूँ और आधी जो है ना मैं फ्राई करके सेव कर लूंगी फ्रीजर में, क्योंकि भिंडी जो थी ना ज्यादा थी, हस्बैंड साहब ले आए थे ज्यादा भिंडी, तो बस फिर तो इसको इस तरह से जो है ना फिर मैं सेव कर लूंगी। तो बस जी आज मुझे बनाना था जी पिज्जा, और मुझे वो डबल वाला बनाना था जो पिज्जा भी बनता है और चिकन ब्रेड भी जो डबल बनता है ना, वो आज मैं ट्राई करने लगी थी। तो बस जी यहाँ पर पहले तो मैं बना रही हूँ जी, अदरक लहसुन मैंने थोड़े से ऑयल में शामिल किया, और ये चिकन क्यूब्स मतलब छोटे छोटे से क्यूब्स फॉर्म में मैंने काट लिया था चिकन बोनलेस वाला, और इसमें मैं थोड़ा सा टिक्का मसाला शामिल करके तो इसको भी पकने के लिए रख दूंगी। और साइड में जो मैंने दूसरी साइड पे जो मैंने रखा हुआ चिकन बॉईल होने के लिए, वो उसको बॉईल करके ना तो उसको रेशा रेशा कर लूंगी। वो जो हम चिकन ब्रेड के लिए बनाएंगे ना तो वो उसमें मतलब जाएगा, उसकी फिलिंग में जाएगा। तो खैर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है और टिक्का मसाला ऐड कर दिया है, बस ये पक जाएगा, रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया है, और इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं करना है, तो बस इसको पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद जो है ना फिर मैं करूंगी जी आटा मतलब आटे की तैयारी, डो की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा बिल्कुल जो है ना नीम गर्म पानी लिया है, और यहाँ पर जो है ना 2 टेबल स्पून जो है 2 टीस्पून जो है ना शुगर मैंने ऐड की है, और उसके बाद जी यहाँ पर 2 टीस्पून ही मैं ईस्ट के शामिल कर रही हूँ, और 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना मैं ऑयल के शामिल करूंगी, और इसको जो है ना बस 10 मिनट के लिए रख देंगे, और ताकि ये जो है ना ईस्ट जो है फूल जाएगी, डबल हो जाएगी अपने साइज में। तो उसके बाद फिर इससे जो है मैं आटा गूंद लूंगी। आटा मैंने लिया था जी मैदा, मैदा लिया था 3 कप मैंने लिया था मैदा फुल भर भर के, और उसमें जो है तकरीबन 1 टीस्पून मैंने जो है ना सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये मैंने आटा ले लिया है, और यहाँ पर ये देखें ईस्ट भी जो है ये हो गई है फॉर्मी सी हो गई है। तो बस इससे जो है अब मैं आटा गूंद लूंगी, और 1 अंडा भी इसमें शामिल करना है, और बस फिर ये मैं आटा गूंद लूंगी। अब आटा गूंदना तो खैर सभी को आता है, तो मैंने कहा मैं आटा गूंदते हुए क्या दिखाऊं, तो बस आटा गूंद के मैंने रख दिया है, और यहाँ पर ये चिकन है और शिमला मिर्च है, और ये देखें आटा गूंद चुका है, और ये थोड़ा सा राइस भी हो चुका है, क्योंकि मैंने जो है ना मैं फिर हस्बैंड के साथ आज कहीं काम से चली गई थी आटा गूंदने के बाद, फिर आके फिर मैंने जल्दी से जो है ये फिलिंग जो है ना रेडी की है। तो फिलिंग मैंने उसी तरह से रेडी की है कि जिस तरह मैदा डाल के जो करते हैं ना फिर दूध के साथ मतलब व्हाइट सॉस वाली जो होती है, तो इसकी रेसिपी भी बहुत है मेरे चैनल पर ना, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बस मैं जल्दी थी, बच्चों को भी भूख बहुत लगी हुई थी ना, तो बस इस वजह से ना फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा वीडियो बनाते बनाते फिर बहुत देर लग जाती है, तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने वीडियो नहीं बनाई। अच्छा फिर ये देखें जी, इस तरह से जो है मैंने पिज्जे की मतलब ये जो डो मैंने बेली थी ना, तो बीच में मैंने कोई भी ढक्कन रख दिया, प्लेट रख दें, कुछ भी रख दें, कोई गोल शेप वाली चीज, और फिर वो जो फिलिंग रेडी की थी ना वो मैंने इस तरह से रखी है, और फिर ये इस तरह से जो मैंने साइडों से कटिंग की थी उसको इस तरह से फोल्ड करती जाऊंगी। तो इस तरह से जो है इसको पूरा जो है बंद कर देना है। अच्छा ये साइडों से थोड़ा सा चिपक रहा था, क्योंकि जब मैंने नीचे ऑयलिंग की थी ना इसने कोई जो भी मतलब आप पैन ले रहे हैं या मैंने तो हर ढक्कन लिया था, तो साइडों से जो है ना मैं ऑयल लगाना भूल गई थी, बीच में मैंने पूरा ऑयल लगा दिया था और बिल्कुल किनारों पर रह गया था, तो वो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ना चिपक रहा था।
तो खैर जी, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब आप लोग बनाएं तो ऑयलिंग करें तो पूरी अच्छी तरह से ऑयलिंग कर दें, ताकि वो जो है ना डो नीचे चिपके नहीं। तो बस जी, साइडों में मैंने ऊपर जो है ना अंडा फेंट के भी वो भी लगा दिया था, और बस इसको पतीले में बेक होने के लिए रख दिया था। इसको तकरीबन 15 मिनट लगे थे, छोटे वाले पिज्जे को तकरीबन 10 से 12 मिनट। वो सिंपल पिज्जा मैंने बनाया है। और ये है जी हमारी चिकन ब्रेड भी है साइडों में, और बीच में जो है पिज्जे के मजे हैं, ठीक है ना। एक टिकट में दो मजे, डबल शो। तो खैर बहुत मजे की बनी थी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अच्छी बनी थी, हस्बैंड साहब को भी बहुत पसंद आई थी और बच्चों को भी पसंद आई थी। तो खैर जी, अब आप मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। और यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको जो है ना